दोस्तों वेलकम बैक टू जी डी अकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि किस तरीके से कंज्यूमर का क्या हो रहा था, एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या हुआ, 1986 में एक मिनट 1986 में क्या हुआ, एक बिल पास हुआ जिसे क्या नाम दिया गया दोस्तों, कोपरा, जो क्या कहलाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 में क्या हुआ, कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए एक एक्ट बनाया गया कि कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, शोषण नहीं करेगा। इसके अलावा बाद फिर यूएनए ने भी एक बिल पास कर दिया कंज्यूमर्स के राइट्स के अगेंस्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस क्या हुए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जो कि इस तरीके से कह सकते हो 220 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर सामने आए। जैसे अब इसके अलग अलग नाम, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर अब बात आती है कंज्यूमर राइट की, कंज्यूमर राइट होता क्या है या कंज्यूमर राइट क्या कहलाता है। जैसे क्या है इसमें, राइट टू सेफ्टी, यानी क्या है, आपको आपके अपने सुरक्षा का अधिकार है। मान लो अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो वो आपके हेल्थ को ख़राब ना करे, तो क्या है, राइट टू सेफ्टी। सेकंड क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी जो भी आप सामान लाने जा रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जानकारी क्या हो, गलत मिले। जैसे मान लो आप एक सामान लाने जाते हो, वो कहता क्या है, ब्रांडेड है, यानी वो किसी कंपनी से बिलोंग करता है, जो कि क्या देता है, गारंटी देता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। बट अगर मान लो आप घर पे लाते हो, उसे जैसे यूज़ करते हो तो क्या वो निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है, तो क्या है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कोपरा आपको क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, यानी जो भी आप सामान लेने जाते हो उसका सही सही इन्फॉर्मेशन सेलर्स को देना पड़ेगा। अगला क्या है, राइट टू चूज़, यानी आपके पास चॉइसेस होना चाहिए। अगर मान लो सामान लाने जाते हो तो ऐसा नहीं हो कि एक ही तरीके का सामान, सिंगल प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल। जैसे मान लो आप सामान साबुन लाने जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही कंपनी का हो वहाँ पे साबुन हो, वो आपके पास चॉइसेस भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, राइट टू सीक रिड्रेस्ड। उसके अलावा क्या है, राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट आपके इस राइट से क्या करता है, शोषण करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू कोपरा, कोपरा क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, कोर्ट बनाएंगे, यानी कंज्यूमर कोर्ट बनाएंगे, जहां पे लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर यानी जो ग्राहक है अपने केस को क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। जैसे मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक का केस अगर होगा तो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर कोई केस आता है तो कहाँ जाएगा, स्टेट कोर्ट में जाएगा। और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई केस आता है तो कौन से कोर्ट में जाएगा, नेशनल कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में क्या हो, जानकारी हो प्रॉपर, और उनका एक्सप्लोटेशन कम से कम हो। तो कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स वाइल परचेसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि जो आप सामान खरीद रहे हो वो सही है कि नहीं है, या फिर उसके पास क्या क्या अधिकार है। कोपरा लीड अ सेटअप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट इन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोपरा ने क्या किया, बहुत सारे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट खोले। जैसे कि मान लो आपने एक न्यू क्या बोलते हैं, एड्स देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का, है ना, टेलीविज़न पे, रेडियो पे एंड सब जगह पे आपको ऑलमोस्ट ऐसी न्यूज़ देखने को मिली होगी, है ना। इसके अलावा मान लो आप क्या है, इसके थ्रू बहुत सारे जो आप सामान खरीदते हो उस पे ब्रांड का क्या होता, निशान होता है, जिसके थ्रू क्या है, आप सेटिस्फाई होते हो कि हाँ ये चीज़ें क्या ऐसी होगी ओरिजिनल। जैसे मान लो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हो तो उस पर ISI का मार्क होगा। अगर आप एडिबल्स ऑयल खरीदने जाते हो उसमें एग मार्क का निशान होगा। इसके अलावा अगर मान लो ज्वेलरी खरीदने जाते हो उस पर किसका निशान होगा, हॉलमार्क का निशान होगा। तो एक तरह से कोपरा का काम क्या था, स्प्रेड अवेयरनेस एंड हेल्प द फाइल केसेस, यानी क्या करना इनका काम था कि लोगों को अवेयर किया जाए उसके राइट्स के लिए, क्या मतलब कस्टमर्स के राइट्स क्या क्या हैं उसके लिए, और अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम होती तो उसको केस फाइल करवाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। बट इतना सब होने के बाद भी क्या है, लोग केस फाइल नहीं कर पाते, अपने राइट्स को सही से यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो लोगों के पैसे नहीं होते, अगर मान लो आपको केस फाइल करना था तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो लोग को बस पैसे नहीं है। खबर का क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कोर्ट के चक्कर में। और कभी कभी क्या होता है, आप सामान कोई ख़रीदते हो तो हमें रिसिप्ट भी नहीं मिलता है। तो
ये कुछ प्रॉब्लम आती है होती है कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से वो कोर्ट की ओर अप्रोच नहीं करना चाहता। तो फाइनली हमारे यहाँ पे चैप्टर क्या होता है दोस्तों, फिनिश्ड होता है एक स्मॉल पार्ट में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। और प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपके लाइक्स और कमेंट से क्या मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आपको मैं टाइम टू टाइम क्या करूँ अलग अलग